नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं युवा कल्याण अधिकारी एवं व्यायाम परीक्षक अधिकारी की जो पोस्ट आई थी उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, आइए इस पर बात करते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो इसमें आपके जो परीक्षा होने वाली है 2018 में, तो इसके लिए आपको चार भागों में इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को बांटा गया है, जिसमें पहला है सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामान्य ज्ञान, तीसरा है सामान्य विज्ञान जिसमें कि आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान आएगा, और अंकगणित यहाँ पर लिखा है तथा, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस अभी पढ़ेंगे आगे तो उसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही आते हैं, इसलिए आप अर्थमेटिक पे ही फोकस करिएगा। अगला है सामान्य हिंदी, तो प्रत्येक भागों में आपके 50-50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के आपके पास दो अंक होंगे, टोटल आपका 200 प्रश्न और 400 अंक हो जाएंगे। परीक्षा की अवधि 202 घंटे की होगी, सॉरी। और आपका अन्य एग्जामों में जहाँ 1/3 या फिर 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पर आपका 1/2 निगेटिव मार्किंग होगा, तो आपको ध्यान देना है और आपको बिल्कुल भी उत्तर गलत नहीं लगाने हैं। तो अगर आपका पाठ्यक्रम हम बीच में देखें तो सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, ये आपकी है सामान्य मानसिक योग्यता। जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अगर आपके ऑफिस में ऐसा माहौल है तो आप इसमें से क्या करेंगे, तो उसमें ये आपका वैसा क्वेश्चन होगा। और सांख्यिकी विश्लेषण में ग्राफ डायग्राम वगैरह से रिलेटेड आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो आपको फालतू के चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो सिलेबस में है बस उतना ही ध्यान देना है। सामान्य ज्ञान में आपका कंप्यूटर का ज्ञान होगा, उत्तर प्रदेश से आधारित आपकी शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएँ, ललित कला, लोक कलाएँ, ये सब आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं सामान्य समाधान, इसमें भी आपका निर्णय क्षमता और सामान्य समाधान जैसे ही सहमति वैसे ही क्वेश्चन होंगे। सामान्य मानव व्यवहार, ये भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे। और ये देखिए आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर आप उत्तर प्रदेश चयन आयोग की कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये एकदम कंपल्सरी है, आना ही आना है। उसके बाद आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, ये पॉलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये वो है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमी है। और गांधी विचारधारा, गांधीयन प्रिंसिपल, ये सब भी आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं सामायिक घटनाएं, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स, इसके लिए बस आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, एक आध घंटे न्यूज़ वगैरह देख लिया करें, जो प्रमुख न्यूज़ खबरें होती हैं, जैसे कि आप जी न्यूज़ का DNA देख सकते हैं रात 9 बजे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें देश विदेश में हो रही हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, वो बहुत अच्छी मिल जाती है और वो दिमाग में बैठी रहती है, याद रहती है और आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें भी कौन सा उत्पाद हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो इसमें आप उत्तर प्रदेश को फोकस में रखकर थोड़ा देख लीजिएगा। अगला है सामान्य विज्ञान एवं अंकगणित। सामान्य विज्ञान में जो मैंने पहले ही बताया था, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनमें बहुत ज़्यादा उड़ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट वाले नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इंसान धरती पर क्यों चल पाता है, तो घर्षण के कारण होता है, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, बेरी स्कर्वी, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, रट डालिएगा। उसके बाद आपके आपका आ जाता है अंकगणित, तो इसमें अंकगणित वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपका टाइम डिस्टेंस है, वर्क एंड टाइम है, प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब टॉपिक्स कवर करिएगा। संबंधी इसकी एक बुक ले लीजिए आप, इसमें आप पठित गंध्यांश, सूचना संबंधित प्रश्न, रेखांकित, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ एक सिंपल सी हिंदी की बुक ले लीजिएगा और उसमें चैप्टर वाइज जो जो इसमें दिया हुआ है सारा पढ़ डालिएगा, उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे तो लगता है कि हमें सब आता है हिंदी में, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाते हैं, तो बस आपको अपने क्वेश्चन को सही करने का जो है तरीका सीखना है, जो लॉजिक आप लगाते हैं या फिर जो आप रटते हैं या याद करते हैं, ठीक है। तो ये बस इतनी चीज़ें थी, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका ये आराम से हो जाना चाहिए। 327 जनरल में वैकेंसी है युवा कल्याण अधिकारी की, जिसमें महिला की सीटें हैं 100 कुछ, तो उसके बाद जो बस्ती हैं 200 के लगभग सीटें हैं, तो ठीक है, बहुत है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड हम कुछ वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स भी डालते रहेंगे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन भी दबा लेंगे तो तुरंत मिल जाएगी।
तो लगे रहिए हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद, माता की जय, जय हिंद।